लॉर्ड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। तीसरा दिन इंग्लैंड और जो रूट के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों ने विकेट जरूर निकाले लेकिन देर कर दी, मेहरबान आते आते वाला हाल हो गया। इंग्लैंड ने 391 रन बनाए और पहली पारी में 27 रनों की बढ़त हासिल की। जो रूट अंत तक टिके रहे, 180 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 4 विकेट हासिल किए। ईशांत शर्मा ने 3 शिकार किए जबकि मोहम्मद शमी ने 2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत 119 रनों के साथ की थी, 3 विकेट गंवाए थे। जो रूट 48 और बेयरस्टो 6 रन बनाकर नाबाद रहे थे। ऐसे में तीसरे दिन का जब खेल आगे शुरू हुआ तो सबसे पहले दोनों इंग्लिश बल्लेबाजों ने अपना 50 पूरा किया। रूट का भारत के खिलाफ 17वां 50 प्लस स्कोर था, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे बेयरस्टो ने भी लंबे समय के बाद अर्धशतक लगा दिया। जो रूट और बेयरस्टो के बीच शतकीय साझेदारी हुई और यहीं से गेम इंग्लैंड के पाले में चला गया। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे, हालांकि बेयरस्टो 57 रन बनाकर चलते बने। उन्हें सिराज ने कोहली के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद बटलर बल्लेबाजी के लिए आए, रन तो ज्यादा नहीं बना सके लेकिन 5वें विकेट के लिए उन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी की और टेस्ट क्रिकेट में इसी की जरूरत होती है। इस बीच जो रूट ने अपने करियर का 22वां शतक भी लगा दिया, साथ ही कई बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने नाम की। लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाना हमेशा स्पेशल होता है और जो रूट इस साल अलग ही फॉर्म में है। 2021 में रूट का ये 5वां शतक भी है। उन्होंने 200 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से सेंचुरी लगाई, साथ ही टेस्ट करियर में 9000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। ऐसा करने वाले वो दूसरे सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। इतना ही नहीं, जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 16000 रन पूरे किए। ऐसा करने वाले वे इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज भी बने। इसके बाद अपनी पारी को जो रूट ने आगे जारी रखा। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 5 विकेट गंवाकर 314 रन बना लिए थे। मोइन अली और रूट क्रीज पर मौजूद थे। 6ठे विकेट के लिए फिर अर्धशतकीय साझेदारी हुई। मोइन अली 27 रन बनाकर आउट हुए। बाद में पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर रूट ने किसी तरह इंग्लैंड के स्कोर को 391 तक पहुंचाया। 400 प्लस रन बन सकते थे लेकिन ईशांत शर्मा ने मोइन अली और सैम करन को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर इंग्लैंड के मंसूबों पर पानी फेरा। बावजूद इसके तीसरे दिन के खेल खत्म होने और ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड ने भारत पर 27 रनों की बढ़त हासिल की। अब चौथे दिन की शुरुआत भारत की पारी से होगी। रोहित शर्मा और केएल राहुल फिर से धमाल मचाने के लिए उतरेंगे, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बतौर ओपनर अब तक सभी की उम्मीदों पर सही खरे उतरे हैं और टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।